कल बड़ा अहम दिन है आप लोगों के लिए, क्या रहने वाला है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? तो ऐसा है कि वो हम क्या उम्मीद करेंगे, हम कोई स्पोक्समैन तो है नहीं इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन क्या करने वाला है वो हम बोलेंगे, वो डेमोक्रेसी में अच्छा नहीं दिखता है। उनका एक इंस्टीट्यूशन है, उसको इंडिपेंडेंस दिया गया है, वो इंडिपेंडेंटली कुछ भी कर सकते हैं। तो भरोसा है कि आप लोगों के पास चिन्ह रहेगा, चुनाव चिन्ह? देखो, चिन्ह रहेगा नहीं रहेगा ये कल कुछ तय नहीं होगा, आने वाले दिनों में होगा। हमें उम्मीद है क्योंकि सबूत हमारे पास है, वो सबूत और किसी के पास नहीं है। ये पौधा हमने लगाया था, ये पौधा वृक्ष बन गया है, इसकी कुछ फांदियां टूट गई, इसका मतलब पौधे को कुछ होगा ऐसा नहीं। पवार साहब ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के बीच मतभेद है, चाहे बंगाल में लेफ्ट वर्सेज कांग्रेस हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये चीजें ठीक है, लोकसभा में सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। होगी, जब वो इतना कह रहे तो होगी, लेकिन ये कैसे संभव है सर? विधानसभा चुनाव बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। उन्होंने केजरीवाल से बात किए, उन्होंने राहुल गांधी से बात किए, दिल्ली के बारे में सब जगह पे बातें हुई है, सब थोड़ी मीडिया को बताई जाएगी। उन्होंने ईडी सीबीआई का जिक्र किया, जो हो देश में हो रहा है वो बता रहे हैं। कल आप लोगों की पार्टी को लेकर भी चुनाव आयोग ने सुनवाई है पहली, क्या कुछ? देखो, जो इंस्टीट्यूट्स का इंडिपेंडेंस है, जो डेमोक्रेसी ने उनको दिया है, संविधान ने दिया है, उनका गला घोटने का काम शुरू है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, देखेंगे कल क्या होता है। वही ना कि ये मुंह दबाने का काम है कि जो बोलता है उसको चुप बिठाओ और अंदर डाल दो। न्यूज क्लिक पे भी जो हुआ उसकी भी कड़ी शब्दों में निंदा की गई, तो सभी जगहों पे जहां जहां अन्याय हो रहा है, जो सत्ताधारी पक्ष को नहीं करना चाहिए वो सत्ताधारी पक्ष कर रहा है, उसके खिलाफ अधिवेशन में आवाज उठाया गया।